परम महादेव दर्शकों जय महाकाल। अगर आपका कोई काम पूरा नहीं हो रहा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, बहुत खास है कोई काम रुका हुआ है, वो बहुत टाइम से पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको एक उपाय करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है कि आपको 7 बेलपत्र लेनी है और 1 लोटे में आपको गंगा जल लेना है। आपके यहाँ गंगा जल ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ले लीजिए, नहीं तो आप जल में गंगा जल मिला लीजिए। और वो जो 7 बेलपत्र हैं उन्हें आपको उसी गंगा जल में डाल लेना है, उसी लोटे में आपको डाल लेना है। फिर जाना है शिव जी के मंदिर, वहाँ जाकर जो जल है वो तो आपको नंदी जी पर समर्पित करना है, चढ़ाना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आप जिस भी मनोकामना से उपाय कर रहे हैं वो मनोकामना आपको बोलनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार आपको जाप करना है। उसके बाद वो बेलपत्र आपको नहीं चढ़ानी, बेलपत्र उसी जल में आपको रोक लेनी है, मतलब बेलपत्र ना चढ़े, केवल जल जल आपको नंदी जी पर चढ़ाना है। फिर वो जो 7 बेलपत्र हैं आपको शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ा देनी है। चाहे तो आप एक एक कर चढ़ा दीजिए, चाहे आप इकट्ठी चढ़ा दीजिए, और आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको भगवान से प्रार्थना करनी है वहीं बैठकर। ये उपाय आपको एकादशी के दिन करना है। उपाय जो एकादशी का ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना से उपाय कर रहे हैं, वो आपकी कुछ दिनों में पूरी होगी। आपके जो भी कार्य रुके होंगे वो पूरे होंगे, आप जिस भी मनोकामना से उपाय कर रहे हैं वो धीरे धीरे आपकी पूरी होने लगेगी। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिए एकादशी के दिन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय महाकाल।